हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोकॉल्स इन ई कॉमर्स। एक्चुअली प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन इंटरनेट। सम प्रोटोकॉल्स वी विल डिस्कस टुडे इज़ टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, आई मैप एंड टेलनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट अथॉरिटीज। हाउ यू विल कम्युनिकेट और ट्रांसफर द डेटा ऑन द इंटरनेट। जिस तरीके से आप रोड पर चलते हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से इंटरनेट पर सेम लाइक दैट। इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट और सेंड द डेटा ऑन द इंटरनेट, यू हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। बिकॉज यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ऑन द इंटरनेट, सो दैट इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। दैट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रांसफरिंग और सेंडिंग और शेयरिंग और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग और कनेक्टिंग टू द इंटरनेट वाया द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यू मस्ट फॉलो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड रूटिंग फंक्शंस फॉर डेटाग्राम ट्रावर्सिंग द नेटवर्क। मीन्स द डेटाग्राम मीन्स द इंफॉर्मेशन विच यू आर सेंडिंग, दैट इज यू आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इन टू द डेटाग्राम ओवर द नेटवर्क एंड दैट डेटाग्राम ट्रैवल, दैट इज नोन एज ट्रावर्सिंग, ट्रैवल ऑन द नेटवर्क एंड देयर आर लॉट ऑफ रूट्स। जिस तरीके से आप कहीं पर भी अपने सड़कें देखते हैं, बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन किस सड़क से जाना है, किस रोड से जाना है, कौन सा रास्ता आपको फॉलो करना है, तो दैट सेम लाइक दैट इंटरनेट पर भी जो डेटाग्राम ट्रैवल करता है उसके लिए द प्रोटोकॉल प्रोवाइड द रूटिंग फंक्शन। रूटिंग फंक्शन मतलब किस रूट से होकर के जाना है। ईच डेटाग्राम हैज सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हर डेटाग्राम को ये पता होता है हम कहाँ से चले हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है। आईपी डिटरमिन्स इफ द डेटाग्राम हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन और इफ इट मस्ट बी फॉरवर्डेड। तो यहाँ पर ये जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये भी डिटरमिन करता है कि जो डेटाग्राम है वो जहाँ पर पहुँचा है क्या वो उसका डेस्टिनेशन है। जिस भी स्टेशन पर वो पहुँचा, जिस भी कंप्यूटर पे पहुँचा, जिस भी नोड पर पहुँचा, जिस भी सर्वर पे पहुँचा, कहीं से भी डेटा निकला, कहीं पर भी पहुँच रहा है, तो वो आईपी ये भी डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है कि ये डेटाग्राम का डेस्टिनेशन है या इसको आगे फॉरवर्ड होना है। इट मस्ट बी फॉरवर्डेड। इफ़ इट मस्ट बी फॉरवर्डेड, अगर इसको आगे जाना है तो आईपी क्या करेगा? आईपी डिटरमिन्स द नेक्स्ट हॉप। द नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप का मतलब होता है, यहाँ पर हॉप मतलब होता है कि कितने नोड्स के बाद डेटा हमारा स्टॉप हो रहा है। तो जैसे मान ली 4 नोड के बाद डेटा स्टॉप हो रहा है, लेकिन वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ से फॉरवर्ड करना है उसको, तो दिस इज़ वन हॉप। फिर चला, फिर थोड़ी देर कहीं रुका, तो वो हमारा सेकेंड हॉप हो गया। तो हर हॉप पर डेटा फॉरवर्ड होगा। आईपी डज नॉट प्रोवाइड अ रिलायबिलिटी गारंटी। इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है। नो इंश्योरेंस दैट अ पैकेट विल रीच इट्स स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। ये भी होता है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पर। टीसीपी आईपी ये क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर द इंटरनेट एंड अदर सिमिलर नेटवर्क। नेटवर्क्स पर ट्रांसमिशन के लिए ये TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इट इज़ नेम्ड फ्रॉम टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। फर्स्ट इज TCP एंड अदर इज IP।
जिस तरीके से OSI मॉडल आपने पढ़ा है, तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट वर्क लेयर यानी कि इंटरनेट लेयर, लिंक एंड फिजिकल लेयर। इसमें का जो एप्लीकेशन लेयर है और इसके जो OSI मॉडल के एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स हैं, इस पर वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम लेयर पे काम करता है। इंटरनेट और नेटवर्क लेयर सेम लेयर पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के लिए इसका ये लेयर काम करता है। लेयरिंग एंड द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, उसी चीज़ की थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। द TCP/IP प्रोटोकॉल ओनली कंटेन 5 लेयर्स इन इट्स नेटवर्किंग मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर। इसमें 5 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। और वो OSI के किस किस लेयर पे काम करते हैं ये भी इसमें आगे दिया हुआ है। दिस इज हाउ द TCP/IP वर्क्स, कि क्या सिचुएशन होती, कहाँ पर TCP/IP वर्क कर रहा होता है। मान लीजिए कि आपने अपना जीमेल ओपन करा, तो आप यूज़र हैं और ये सर्वर है जहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट रखा हुआ है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपका यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस और सर्वर पर भी कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, इट इज़ ऑल डन बाय द TCP/IP। ओके, यूज़र यूज़र को नेटवर्क की भाषा में कहते हैं क्लाइंट, और जो जहाँ से सर्विस प्रोवाइड हो रही है उसको हम कहते हैं सर्वर। जैसे आपने यूट्यूब ओपन करा, तो आपने अपने मोबाइल से करा, तो आपका मोबाइल क्लाइंट हो गया और यूट्यूब क्या हो गया, सर्वर हो गया। आप भी डेटा को रखेंगे अपने लोकल हार्ड डिस्क पर और सर्वर भी रखेगा अपनी हार्ड डिस्क पर। तो सर्वर की इस हार्ड डिस्क से डेटा यहाँ से यहाँ पर, यहाँ अपने लोकल हार्ड डिस्क पे लाना, ये पूरा का पूरा काम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रूट बनेगा, जो डिस्टेंस होगी, जिस भी स्टेशन पे ये रुकेगा, ये सारे काम जो है कौन करेगा, TCP/IP। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। ऑपरेशन ऑफ TCP/IP, इसी को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ये इसका डायग्राम है। आपका कंप्यूटर, आप मान लीजिए होस्ट हैं, आप ए हैं। अब आप पूरे नेटवर्क पर, ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो सकता है जिससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं, वो है आपका होस्ट बी। अब इस होस्ट ए से बी तक बताइए कितने कंप्यूटर हो सकते हैं बीच में, 1, 2, 3, 4, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, करोड़ ऑफ कंप्यूटर में इनसे होकर के डेटा जाएगा। कितने सर्वर हो सकते हैं बीच में, वो सारे सर्वर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब होस्ट ए है, अब होस्ट ए कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, मान लीजिए एप्लीकेशन एक्स और वाई रन कर रहा है, और यही सेम एप्लीकेशन वो कहाँ से रन कर रहा है, होस्ट बी से। होस्ट बी भी ये एप्लीकेशन एक्स और वाई रन कर रहा है, यहाँ से ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं। अब इनके कनेक्शन में TCP/IP काम कर रहा है। ये जो ग्लोबल नेटवर्क एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, IP, ठीक है। और जो इनके बीच में कनेक्शन मेंटेन होगा, दैट कनेक्शन इज मेंटेन बाय द, दैट कनेक्शन इज मेंटेन बाय द TCP, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये प्रोवाइड करता है कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक कनेक्शन बनेगा पहले, तब जा कर के ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट उसी कंप्यूटर से ही कनेक्शन होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा IP। IP प्रोवाइड द ग्लोबल एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्या कहते हैं वर्क होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अब ये नेटवर्क वन है। नेटवर्क वन यहाँ क्या कह रहा है कि किसी नेटवर्क का ये होस्ट ए हो सकता है। जो होस्ट ए है, होस्ट ए ये किसी नेटवर्क का, यहाँ पर नेटवर्क वन का एक हिस्सा मान लेते हैं, और ये है यहाँ पर नेटवर्क टू। होस्ट बी जो कंप्यूटर है, ये नेटवर्क टू का हिस्सा हो सकता है। तो किस नेटवर्क में जाना है, किस नेटवर्क से आना है, ये सारा का सारा वर्क TCP/IP परफॉर्म करेगा। हाउ TCP/IP वर्क, देखिए
आपने मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, आपने यहाँ से कुछ भेजा सेंडर, तो अब सेंडर से ले करके रिसीवर तक एक रूट पहले फॉलो होगा, और वो रूट्स अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कुछ डेटा इस रूट से चला गया, कुछ डेटा इस रूट से भी जा सकता है, कुछ डेटा इस रूट से भी जा सकता, कोई भी एक रूट इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो TCP/IP कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि TCP/IP प्रोटोकॉल ब्रेक डेटा इनटू पैकेट। अब TCP/IP ने क्या करा, जो भी आप डेटा भेज रहे हैं टू और फ्रॉम, कहाँ से भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, और वो डेटा को ब्रेक कर देगा। अब वो डेटा, ये ब्लू कलर के जो मार्क्स हैं समझ लीजिए ये डेटा है। अब डेटा पैकेट्स बन गए, अब ये डेटा पैकेट्स चले जा रहे हैं अलग अलग रूट्स को फॉलो कर रहे हैं। द पैकेट ट्रेवल फ्रॉम रूटर टू रूटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द IP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ये ट्रेवल करेंगे। द TCP प्रोटोकॉल रीअसेंबल द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल होल फॉर्म। जब ये यहाँ पर रिसिपियंट एंड पे पहुँचेंगे तो जितने भी ये डेटा पैकेट्स हैं अलग अलग, इन सबको वो रीअसेंबल करेगा। जैसे मान लीजिए इसने 20 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये 20वां पैकेट्स जो है रिसिपियंट पर आएंगे और एक एक करके यहाँ पर TCP क्या करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा। तो इसका दो काम, एक बड़े बड़े काम देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 पैकेट को तोड़ा, और स्टेप 3 वाले में एट द एंड यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुँच के पैकेट को क्या करेगा, रीअसेंबल कर देगा, फिर से मिला देगा, तो वो पैकेट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो जाएगा और यूज़र उसको रीड कर लेगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या है, HTTP इस क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन वाया HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स द मैसेज। ये कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ये रिस्पॉन्स मैसेजेस जो रिस्पॉन्स करते हैं, मैसेजेस जो आते जाते हैं उनका ये काम है, ये उन मैसेजेस को आदान प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट इज स्ट्रक्चर टेस्ट दैट यूज लॉजिकल लिंक्स, लॉजिकल लिंक जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, बिटवीन द नोड एंड कंटेनिंग टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है और वो किस कंप्यूटर का है उसके बीच में जो कनेक्शन है वो HTTP प्रोवाइड कराता है। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज और ट्रांसफ़र हाइपर टेक्स्ट। HTTP इज़ कॉल्ड द स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज ईच कमांड इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द कमांड दैट केम बिफोर। हाउ HTTP वर्क्स, अब देखिए यहाँ पर HTTP कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से कोई भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो जब ब्राउजिंग करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्राउज़र। जैसे मान लीजिए आपने मोज़िला क्रोम पे कुछ टाइप करा, टाइप करके इंटर करते हैं ना, तो जैसे ही टाइप करके इंटर करते हैं ये यहाँ से आपके मोबाइल से डेटा निकल करके, रिक्वेस्ट मैसेज निकल करके कहाँ पर चला जाता है, सर्वर पर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP सर्वर, अब उस वेब सर्वर पे गया, उस वेब सर्वर से फिर वो रिस्पॉन्स मैसेज कहाँ पर आता है, आपके मोबाइल पर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ओपन हो जाती है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे टू एक्सचेंज द फाइल ओवर द इंटरनेट। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ क्लाइंट कंप्यूटर टू अ सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। अगर आपके क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पे जा रहा है तो वो अपलोडिंग कहलाता है, सर्वर से क्लाइंट पे आ रहा है तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग मीन्स जब आप अपने मोबाइल से कोई चीज़ इंटरनेट पे डाल रहे होते हैं तो अपलोडिंग, और इंटरनेट से जब मोबाइल पे या सिस्टम पे ले रहे होते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। टू एक्सेस एन FTP सर्वर यूज़र मस्ट बी एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड रन इंट्रानेट वाया अ मॉडम और लोकल एरिया नेटवर्क विद एन FTP क्लाइंट प्रोटोकॉल और प्रोग्राम। दिस इज़ द फिगर हाउ द FTP वर्क्स, एज ड्रॉ इट ऑन योर कॉपी। हाउ डज टेलनेट वर्क, टेलनेट क्या है, टेलनेट एक, ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो यूज़र यूज़र कम्युनिकेट करने के काम में आता है, चैटिंग के काम में आता है। अ यूज़र इज़ लॉग्ड इन टू द लोकल सिस्टम एंड इनवोक्स अ टेलनेट प्रोग्राम बाई टाइपिंग। अब यहाँ पे वो ये टाइपिंग से, मतलब आप टाइप करेंगे टेलनेट, और ये जो है दिस इज़ द IP एड्रेस, आप टेलनेट करके और कोई भी IP एड्रेस, जैसे कोई भी सिस्टम का IP एड्रेस डाल दीजिए तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी और आप उससे मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके CMD लिख करके कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाएं, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लाइक जैसे आप यहाँ पर ओके CMD
सी में ही है, सीडी बैकस्लैश ये। यहाँ पर आपको टेलनेट लिखना पड़ेगा, टेलनेट करके अब कोई भी यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको देने को कुछ ऐसे, ठीक है, आईपी एड्रेस 255 से नीचे ही होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देंगे तो अगर ये नेट से, क्योंकि हमारा ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो एरर बताएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से टेलनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क पर हैं, 100 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो द टेलनेट क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन द लोकल मशीन, दैट क्लाइंट इस्टेब्लिश अ TCP कनेक्शन विद द टेलनेट सर्वर ऑन द डेस्टिनेशन सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यू कैन कम्युनिकेट, चैट, चैटिंग, यू कैन स्टार्ट द चैटिंग, यू कैन सेंड द मैसेजेस। This is how the telnet is working. The working of the telnet you are seeing. Just go through the figure. You will understand how the telnet is work. IMAP Internet Message Access Protocol. जितने भी messaging होती है, mailing होती है, उसके लिए IMAP use होता है. तो IMAP is what? IMAP is a commonly known as IMAP. IMAP 4. It is also known as IMAP 4. And एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर का इंटरनेट प्रोटोकॉल है और जो ऑपरेट करता है पोर्ट नंबर 143 से, एंड इट अलाउ अ लोकल क्लाइंट टू एक्सेस ईमेल ऑन रिमोट सर्वर। जितना भी आप मेल एक्सेस करते हैं, मेल को सेव करते हैं, मेल को फॉरवर्ड करते हैं, रिसीव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सारा IMAP के थ्रू होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। करंट वर्जन जो यूज़ हो रहा है वो IMAP वर्जन 4 यूज़ हो रहा है। IMAP and POP3 are the two most prevalent internet standard protocol for email retrieval. जितना भी आप email को आना जाना सर्वर पे भेजना, ब्रॉडकास्टिंग email की करना, email से डाउनलोड करना, email में अटैच करना, ये सारा IMAP और IMAP के थ्रू होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाई द IMAP प्रोटोकॉल। दीज आर सम अदर पॉइंट्स ऑफ IMAP, दैट IMAP इज सपोर्ट फॉर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अलाउ द यूज़र allow the other email client to access the server, allows the client to be used with other server, for example call cams. IMAP is often used in large networks, for example a college campus mail system. IMAP allows user to access new messages, the mail is stored on the network. With pop up 3, जो 3 इसमें प्रोटोकॉल होता है, उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, डाउनलोड ईमेल टू दियर कंप्यूटर, एक्सेस इट वाया द वेब, वेब के थ्रू, टेक अ लॉन्गर देन IMAP, मस्ट द पॉप अप 3 मस्ट बी इधर डाउनलोड एनी न्यू मेल और रिफ्रेश द पेज टू सी द न्यू मैसेजेस। ये सारे वर्किंग जो होते हैं ई मेल से रिलेटेड, वो हम IMAP और पॉप अप 3 के जरिए करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल्स, दैट्स इट, थैंक यू।